मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुल 177 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस लिस्ट में उन दिग्गजों को शुमार नहीं किया गया जिनको पार्टी नेतृत्व से अपनी उम्मीदवारी चयन को लेकर काफी उम्मीदें थी। कुल 177 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। जिन दिग्गजों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनमें राज्य मंत्री माया सिंह का नाम खास तौर से शामिल है। इस बार ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्री हर्ष सिंह का भी टिकट काटा गया है। वो सतना की रामपुर बघेलान सीट से विधायक थे, यहां उनकी जगह विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की जगह सांची से उनके बेटे मुदित शेजवार को टिकट मिला है। इसके साथ ही बाबूलाल गौर की सीट गोविंदपुरा को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। हालांकि इस बार अधिकतर मंत्रियों को टिकट दिया गया है। ये नाम हैं: खुरई सीट से भूपेंद्र सिंह, दतिया से नरोत्तम मिश्रा, शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया, लहरी से गोपाल भार्गव, रीवा सीट से राजेंद्र शुक्ल, विजय राघवगढ़ से संजय पाठक, नरेला से विश्वास सारंग, भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से उमाशंकर गुप्ता, बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन, उज्जैन उत्तर सीट से पारस जैन, भोजपुर सीट से सुरेंद्र पटवा, सिलवानी सीट से रामलाल और हाट पिपलिया से दीपक जोशी का नाम शामिल है। इसके अलावा 2 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। ये सांसद हैं नागेंद्र सिंह नागौर नागौर सीट से और आगर सीट से मनोहर उटवार। तेलंगाना और मिजोरम के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो राज्य के लिए बीजेपी की ये पहली लिस्ट है और अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।